study with me, a learning experience. Students, इस क्वेश्चन में हमें गिवन होंगे टू इक्वल सर्कल्स और हमने कॉमन टेंजेंट फाइंड करना होगा जिसके दो डिफरेंट केसेस हैं, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो कि इस तरह से बनता है और दूसरा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो कि इस तरह से बनता है। तो आइए शुरू करते हैं बारी बारी। पहले हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर लें ऑन टू इक्वल सर्कल्स। सबसे पहले आप दो इक्वल सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे विद सेंटर्स ओ एंड ओ प्राइम। नेक्स्ट आपने ओ और ओ प्राइम को ज्वाइन कर लेना है। अब आपने क्या करना है, फ्रॉम सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल ड्रॉ डायमीटर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। आपने ओ के ऊपर कंपास को ओपन कर लेना है और एक इस तरह से आर्क लगा लेनी है। अब इस पॉइंट के ऊपर कंपास को रख के एक और आर्क लगा लेनी है और इस पॉइंट पे कंपास को रख के एक और आर्क लगा लेनी है। अब बारी बारी इन दोनों पॉइंट्स पे कंपास को रख के ऊपर की तरफ एक एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है ताकि आप परपेंडिकुलर बना सकें। जहां ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको पॉइंट ओ से मिलाते हुए नीचे की तरफ खींच लें। ये आपके पास ए बी लाइन बन गई है जो कि आपके सर्कल को पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है कॉमन साइड्स के ऊपर। ये हमारे वो टेंजेंट्स पॉइंट्स होंगे। अब आपने क्या करना है, यही तरीका दूसरे सर्कल के ऊपर भी अपनाना है और वहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है जिसकी वजह से आपको ए प्राइम और बी प्राइम दो पॉइंट्स उस सर्कल के ऊपर भी मिल जाएंगे। अब ये जो चार पॉइंट्स आपको मिल गए हैं यही आपके टेंजेंट के लिए पॉइंट्स हैं। आपने क्या करना है, एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेनी है और एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेंगे और ये आपका पहला केस सॉल्व हो गया। चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ जो कि है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ टू इक्वल सर्कल्स। ये हमने उसी तरह से दो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए ओ और ओ प्राइम इक्वल रेडियस के। ओ और ओ प्राइम को हम लोगों ने मिला लिया है। अब हमने सबसे पहले इनका सेंटर मालूम करना है। पहले ओ के ऊपर कंपास को रख के इस तरह ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे, फिर ओ प्राइम के ऊपर कंपास को रख के ऊपर और नीचे एक एक आर्क लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। जहां ये पॉइंट्स ओ ओ प्राइम लाइन के ऊपर मिल रहे हैं वो पॉइंट हमारा कहलाएगा पॉइंट एम, मिडल पॉइंट। अब हमने एम और ओ पॉइंट किसी एक सर्कल का इन दोनों के बीच में सेंटर मालूम करना है। तो हम कंपास ओपन करेंगे उसी तरह एम के ऊपर रख के ऊपर और नीचे एक एक आर्क लगा लेंगे, फिर ओ के ऊपर कंपास को रख के ऊपर और नीचे एक एक आर्क लगा लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जहाँ ये हमारी लाइन ओ एम को मिल रहे हैं वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा इस ओ एम का, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं एन। यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ऑफ रेडियस साइज ओ एन। यहाँ पे हम लोगों ने एन के ऊपर कंपास को रखा और सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल हम लोग डॉटेड ड्रॉ करेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये अनवांटेड सर्कल है, गलती से इसके ऊपर टेंजेंट ना ड्रॉ हो जाए। अब ये हमारे जो अनवांटेड सर्कल और मेन सर्कल का जहाँ पे टच हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रही है, ये हमारे पास पॉइंट पी और पी प्राइम जो कि पहले टेंजेंट पॉइंट हमें मिल चुके हैं। इन पॉइंट से हम लोग पॉइंट एम को मिलाएंगे और नेक्स्ट सर्कल तक ड्रॉ कर लेंगे, लाइन को खींच लेंगे, तो वो हमारे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन जाएंगे। पहला पॉइंट P से M को मिलाया और Q प्राइम तक चला गया, ये पहला ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। फिर P प्राइम से M को मिलाया और Q तक चला गया, ये हमारा सेकंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर इस तरह की क्विक वीडियोस बनाते रहें तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और मज़ीद किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोज़ बनाकर दीजिए।